नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केकी रिसर्च स्टूडियो। आज हम लोग उन किसानों की बात करने वाले हैं जो किसान पिछले कई महीनों से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज हम उन हजारों लाखों किसानों की बात करेंगे जो दिन रात इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। आज उसी फार्म बिल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उस फार्म बिल को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये फार्म बिल है क्या। ये फार्म बिल्स, जो एग्रीकल्चरल बिल्स, जो लेजिस्लेशन अब तक बन चुका है 2020 का, ये आखिरकार ऐसा इसमें क्या है जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा इसमें क्या है जो सरकार बोल रही है कि ये बिल यदि हम लोग लागू करते हैं तो इससे किसानों को ही सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग इसको कॉर्पोरेटाइजेशन से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया इस बात को बहुत ही डिफरेंट ढंग से दिखा रही है। कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में सभी को बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये खराब है, लेकिन क्यों खराब है ये कोई नहीं बोल रहा है। अब तक के मेरे रिसर्च में जितना भी मैंने मीडिया में सुना इसके ऊपर, जो विचार और विमर्श और जो कहानियाँ मैंने सुनी, जो जिस तरह के दंगल मैंने सुने, उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई भी मीडिया हाउसेस इस बात को प्रॉपरली बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार इस बिल से दो हिस्से बटे हुए हैं। आप देखोगे दो हिस्से बटे हुए हैं, एक मोदीमय होकर बात करता है, एक मोदी के अगेंस्ट में बात करता है। जो मोदीमय होकर बात करता है वो यह नहीं बताता कि इसमें क्या खामियां हैं, और जो मोदी के अगेंस्ट में जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं बताते कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, इसमें किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, और यदि बदलाव चाहिए भी तो वो क्यों चाहिए। आज हम इन्हीं सब सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस फार्म बिल में ऐसा है क्या जिसके वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो सवाल है कि इसमें हमारी और आपकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर से सभी इंसान इस देश का जुड़ा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं किसान नहीं हूँ या मेरा कोई रिलेटिव किसान नहीं है तो मैं किसान से या एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटीज़ में आता है, जिनसे कि हमारा वास्ता सुबह से लेकर रात तक हर दिन होते रहता है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये फार्म बिल हमसे रिलेटेड नहीं है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इन तीनों बिलों के बारे में बात करते हैं। पहला बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, दूसरा बिल है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और तीसरा जो सबसे अंतिम बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। जब भी इन तीन बिलों के बारे में चर्चा होती है, आपने बहुत बार सुना होगा APMC, तो सबसे पहले इसके एक सप्लाई चेन को समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर 1947 हमारा जो सप्लाई चेन था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्म से लेके जो प्रोड्यूस होता है वो आपके घर तक जो पहुंचता है, उसके बीच में कितने सारे एंटिटीज़ काम करती है। सबसे पहले आता है आपका फार्मर, फिर आता है आपका APMC, फिर आता है आपको होलसेलर, देन रिटेलर, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी अस, बेसिकली कंज्यूमर। इन पांचों में आपको पता है फार्मर कौन है, होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, और कंज्यूमर कौन है। जो वर्ड जो नहीं है आपको पता, या यदि आपने सुना भी होगा बहुत सारे न्यूज़ में APMC बहुत बार बोला है लोगों ने, तो APMC को समझने की कोशिश करते हैं, इसके रोल को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि जो पहला बिल है वो इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ये देखा गया कि हमारे देश में जब कोई किसान अनाज उगा रहा है तो उस अनाज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उसको होलसेलर को बेचना पड़ता था, और ये होलसेलर क्या होते थे, ये होलसेलर बेसिकली एक मिडिल मैन का कार्टेल होता था। ये मिडिल मैन का कार्टेल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस पे थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिएगा कि जब एक किसान, मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और मैंने आलू उगाया, अब ये आलू जो उगाया है मैंने,
मैंने इसका एक प्राइस फिक्स किया, मेरे जितना कॉस्ट वगैरह लगा उसके हिसाब से मैंने एक प्राइस फिक्स कर दिया 5000 पर टन ना। एक बार मैं जब इसको मंडी में लेके जाता हूँ, क्योंकि ये मैं तो बेचने के लिए नहीं बैठूंगा वहाँ पे कंज्यूमर्स को, या घर घर जाके तो नहीं बेचूंगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जाके मंडी में हमको इसको देना पड़ेगा। अब मंडी में क्या होता था कि जो लोग इसको खरीद के फिर सप्लाई करते थे रिटेलर को और रिटेलर फिर कंज्यूमर को, ये लोग जो बीच वाले जो लोग थे मिडिलमैन, करते क्या थे ये लोग आपस में एक गुटबंदी बनाकर एक कार्टेल टाइप का, आपने सुना होगा कार्टेल वर्ड जो है ना, बहुत बार आपने सुना होगा टीवी वगैरह में, मीडिया वगैरह में, ड्रग्स के कार्टेल वगैरह वगैरह आपने सुना होगा। कार्टेल बेसिकली फंक्शन कैसे करता है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, एक चार पांच वेल्दी पीपल दे कम टुगेदर, आते हैं साथ में, एंड देन दे फिक्स द प्राइस फॉर एनी गुड और एसेंशियल कमोडिटी और व्हाटएवर, दे फिक्स द प्राइस और उसी प्राइस पे वो लोग खरीदते हैं, सबको मिलजुल के खरीदते हैं, उसी प्राइस पे खरीदते हैं। सो इससे क्या होता है कि बंदा आप किसी और के पास जाएगा भी तो भी उसको वही प्राइस बोला जाएगा जो प्राइस हम लोगों ने मिलके बनाया है। स्लोली गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, अंडरस्टैंड किया कि भाई ये मिडलमैन कार्टेल इस तरह से वर्क कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, APMC का गठन किया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कैसे फंक्शन करता था, तो ये लोग क्या करते थे, जैसे ही सरकार ने इसका APMC का गठन किया, ये सोचते हुए कि भाई ये APMC क्या करेगी, रेगुलेट करेगी प्राइस को, और क्या करेगी, बेसिकली ये जो मिडलमैन का जो कार्टल का जो फॉर्मेशन है उसको थोड़ा तोड़ने में मदद करेगी और उसको तोड़ेगी, और बेसिकली जो किसानों का जो एक्सप्लॉटेशन हो रहा है वो एक्सप्लॉटेशन को रोकने में ये मदद करेगी। इस तरह से APMC का गठन हुआ। APMC कैसे फंक्शन करता है, तो APMC बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन होता था मिडलमैन वर्सेस जो फार्मर है उन दोनों के बीच में, उसमें क्या करता था कि APMC उसमें टैक्स लेवी करता था, बेसिकली टैक्स जो भी प्रोड्यूस जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है एक टैक्स पे टैक्स कलेक्ट कर लिया। ये टैक्स कलेक्ट करके APMC अपने आप को रन करता है। अब APMC के पर्पस या गोल को समझा जाए तो बेसिकली इसका गोल या पर्पस क्या था, टू स्टॉप टू डिस्करेज मोनोपोली, टू डिस्करेज मोनोपोली सो दैट ये जो किसान हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है उसको वो रोकने के लिए कदम उठाए, उसको वो रोकने के लिए गाइड करे, सलाहकार के तौर पे काम करे। इन सब में एक चूक क्या हो गई कि ये लीगल मैंडेट नहीं बनाया गया, MSP जो है वो लीगल मैंडेट नहीं बनाया गया। अब ये जो लीगल मैंडेट जो नहीं बनाया गया है MSP को, इसको समझते हैं। चूंकि ये लीगल मैंडेट नहीं बनाया गया और चूंकि APMC का जब गठन हुआ तो ये कह दिया गया किसानों को कि भाई किसान आपको जो है लाइसेंस्ड बायर्स को ही बेचना पड़ेगा। अब क्या हुआ, APMC लाइसेंस देती है, चार मिडलमैन को लाइसेंस देती है, और ये जो लाइसेंस्ड बायर हैं अब किसान कहीं और जाके बेच नहीं सकता, इनको किसान को इन्हीं लाइसेंस्ड बायर जो APMC के हैं उनको ही जाके बेचना पड़ेगा। अब चूंकि ये चूक हो गई कि भाई इनको लीगल मैंडेट नहीं किया गया है MSP को, सरकार टाइम टू टाइम सीजन टू सीजन MSP अपना निर्धारित करती है और वो बताती भी है, लेकिन चूंकि इसको लीगल मैंडेट नहीं बनाया गया, चूंकि इसको सलाह के तौर पर रखा गया लाइसेंस्ड बायर्स को, उसके वजह से क्या हुआ, APMC ही एक गढ़ बन गया मिडलमैन कार्टेल का, और फिर से वही मोनोपोली जो जिसको इराटिकेट करने के लिए सरकार ने APMC का गठन किया था, वही कार्टेल फॉर्मेशन जो है अब उसी APMC के अंदर होने लगा। तो अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब APMC ही लूटने के लिए तैयार हो गई, यानी कि APMC के लाइसेंस्ड बायर जो हैं वही लोग अपना एक गुटबंदी बना के फिर से सेम 5000 का मेरा, मैंने अपना टाइम, मैं फार्मर हूँ, 5000 का मैंने फिक्स किया, मैं जाऊँगा APMC मंडी में, APMC में मिडलमैन जो कार्टल है जो अगेन जो फॉर्म करके बैठा हुआ लाइसेंस्ड बायर्स ही हैं, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, मैं 3000 ही दूंगा। मान लीजिए सरकार ने MSP 5000 भी तय की तो भी ये चूंकि ये लीगल मैंडेट नहीं है, केवल एक सलाह के तौर पर देखा जा रहा था, इसीलिए उन पर इन्फोर्स नहीं करवा पाया सरकार। ये चूक के वजह से जो हमारा पहला बिल है, जो हमारा पहला बिल फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, ये क्या करता है, ये अब अलाउ करता है हर फार्मर को कि वो
ज़रूरी नहीं है कि किसी लाइसेंस्ड बायर को ही बेचें, वो किसी को भी बेच सकते हैं, वो किसी को भी बेच सकते हैं, ये प्रावधान रखा गया पहले बिल में। यदि आपको याद होगा, एक शांताराम कमेटी आई थी इसी के ऊपर। शांताराम कमेटी का क्या कहना था कि एपीएमसी के वजह से जो आज के रेट, मतलब उस समय के हिसाब से केवल और केवल 6% किसान ही एमएसपी पे अपना सामान, अपना प्रोड्यूस बेच पा रहे थे, अपना अनाज बेच पा रहे थे। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी, क्योंकि 6% केवल किसान अपने एमएसपी, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी और जिसको केवल सलाह के तौर पे एपीएमसी जो है अपने लाइसेंस्ड बायर्स को बताता था, उसके पूरे ये को देखा जाए, उसके पूरे कैलकुलेशन को देखा जाए, तो 6% किसान ही पूरे इंडिया भर में उनको एमएसपी पे उनका अनाज खरीदा जाता था। ये शांताराम कमेटी का रिपोर्ट था। तो इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो ये जो पहला बिल है ऑन पेपर, दिस इज़ फैंटास्टिक बिल। क्यों? क्योंकि अब जो है ये जो कंडीशन था कि अब आप लाइसेंस्ड बायर को ही, एपीएमसी के तहत आप लाइसेंस्ड बायर को ही बेच सकते हैं, वो हटा दिया गया। अब जो है कार्टेल का फॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा। क्यों? मिडलमैन जो बिचौलिए हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब बंदा किसी को भी जाके बेच सकता है। मैं जाके किसी को भी बेच सकता हूँ, मैं डिजिटली भी बेच सकता हूँ, मैं इंटर स्टेट भी बेच सकता हूँ, मैं इंट्रा स्टेट भी बेच सकता हूँ, तो मैं किसी को भी बेच सकता हूँ। आज के रेट में मुझे यदि US में एक्सपोर्ट करना है तो मैं US में एक्सपोर्ट कर लूँगा, बिकॉज ये मेरा अनाज है। तो दैट्स व्हाट दिस फर्स्ट बिल इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन दोज मिडलमैन कार्टल। एंड ऑन पेपर दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बहुत ही सुंदर आइडिया है। सरकार ने बहुत अच्छा एक बिल लेके आया, पहला बिल लेके आया। सबसे खूबसूरत बात क्या थी, यदि आप इंडिया में आप आउटसाइड APMC यदि आप बेचते हो तो जो भी प्राइस पे आप बेचोगे उस पर टैक्स सरकार नहीं लेगी। ये और भी बहुत ही अच्छी बात थी, जिससे कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था किसानों का, जो अत्याचार हो रहा था एमएसपी के नाम पे या एपीएमसी के नाम पे, जो मोनोपोली थी, उन सब के अगेंस्ट में ये पहला जो बिल है वो बहुत ही अच्छा बिल है। अभी बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड बिल की। जो सेकंड बिल है, द एसेंशियल गुड्स एक्ट 2020, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, पहले क्या होता था कि किसान जो है दबा के बैठ जाते थे, अनाज जो है दबा के बैठ जाते थे। अब जैसे मान लीजिए आलू, मैं क्या करूँगा, मैं यदि दबा के बैठ जाता हूँ आलू, मैं स्टोर करके रखता हूँ और तब तक स्टोर करके रखता हूँ जब तक इसका डिमांड, जब तक इसका सप्लाई कम नहीं होता, डिमांड हाई नहीं होता, और जैसे ही डिमांड हाई होगा इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, राइट? तो मैं स्टोर करके रखूँगा और जैसे ही इसके डिमांड, इसके प्राइस जो है बढ़ जाएंगे, मैं क्या करूँगा, इसको वापस से मार्केट में सप्लाई करूँगा और बढ़े हुए दाम पर मैं इसको बेचूँगा। तो इसके हिसाब से देखा गया और इसको समझा गया, सरकार ने समझा। और जब ये APMC का गठन हुआ तब इसके ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश की गई। कैसे? तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने APMC का गठन करने के बाद ये कहा कि भाई आप एसेंशियल, दीज आर एसेंशियल गुड्स, ये जो आप अनाज जो प्रोड्यूस करते हो ये एसेंशियल गुड्स है, इसको आप स्टोर करके ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। आप स्टोरेज जो है, आपको ये मंडी, जैसे ही आपका अनाज उगा, अनाज आपका आया, प्रोड्यूस हुआ, वैसे ही आपको इसको लेके जाकर मंडी में डालना ही होगा। तो अब इसमें बड़ा ही अच्छा सा ट्विस्ट है कि पहले किसान जो है वो एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहे थे कंज्यूमर को, कि कैसे, जब वो लोग स्टोर करके तब बेच रहे थे जब इसका डिमांड हाई हो जा रहा है। अब क्या हुआ, अब उल्टा हो गया। जैसे ही सरकार ने ये लागू कर दिया कि भाई आपका प्रोड्यूस, जैसे ही अनाज आप प्रोड्यूस करते हो आपको इसको मंडी में लेके जाना होगा, नहीं तो आप पे लीगल कार्रवाई होगी, कानूनन कार्रवाई होगी। अब क्या हुआ, अब अगेन APMC में बैठे हुए जो कार्टेल है, जो मिडलमैन का जो गुट है, जो गुटबंदी करके रखा है लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग क्या करते थे, तब तक अनाज नहीं खरीदते थे जब तक कि किसान जो है अपना प्राइस पाँच हज़ार रुपये पर टन, तो 5,000 से 3,000 नहीं किया, 2,000 नहीं किया, तब तक वो उसको खरीदते ही नहीं थे। तो अब ये क्या हुआ, ये रिवर्स हो गया। जैसे ही APMC का गठन हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे ही APMC का गठन हुआ, अब ये रिवर्स हो गया। अब किसान एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे थे, बल्कि मिडलमैन एक्सप्लॉयट कर रहे थे।
अत्याचार कर रहे थे। तो बेसिकली जो MSP है उनका जो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उनका, उस पर नहीं खरीद के उससे भी औने पौने नीचे दाम पर उन लोगों को उनके प्रोड्यूस को खरीद रहे थे। अब ये जो सेकेंड बिल है एसेंशियल गुड्स एक्ट 2020, इसके तहत क्या किया गया ये 2020 में, जब इन इस तरह के प्रॉब्लम्स को सरकार ने समझा कि पहले अत्याचार किसान कर रहे थे, मैं बेसिकली किसान एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, अब जो है मिडलमैन कार्टल जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी कहाँ बैठ के, वो भी APMC के अंदर बैठ के, तो जो मोनोपोली चला रहे थे उसको रोकने के लिए सरकार ने ये दूसरा बिल इंट्रोड्यूस किया, एसेंशियल गुड्स एक्ट 2020। एसेंशियल गुड्स एक्ट के तहत सरकार ने क्या कहा कि नाउ एनीवन कैन स्टोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी बंदा, कोई भी किसान जितना स्टोर कर सकता है स्टोर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर का एक लिमिट होगा, स्टोरेज का एक लिमिट होगा, एक टाइम लिमिट होगा, एक टाइम बाउंडिंग स्टोरेज का फैसिलिटी बताया उनको कि भाई आप इतने ही टाइम तक, यदि किसी जैसे कैश क्रॉप है तो उसको आप लिमिटेड टाइम के लिए, तो हर तरह के क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइम का, अलग अलग समय का एक अवधि तय किया गया कि इतने दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हो। यदि उतने दिनों में आपका प्राइस बढ़ता है तो आपका आपके लिए बढ़िया, यदि नहीं बढ़ता है तो जो भी है वो आप देखोगे। इससे हुआ क्या कि अब जो है किसान अपने हिसाब से स्टोर करके रख सकता है, और यदि डिमांड में थोड़ा सा भी, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से थोड़ा सा भी प्राइस का रेस होता है तो किसान बढ़े हुए दाम पे बेच सकता था। सिमिलरली चूँकि मिडलमैन कार्टल जो उधर APMC, अब तो पहले बिल के हिसाब से वो कहीं पर भी बेच सकता है, कॉर्पोरेट्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, तो कॉर्पोरेट्स वगैरह यदि आपका सामान खरीदते हैं और वो स्टोर करके बड़े फ्रीजर्स में या बड़े कोल्ड स्टोरेजेस में रखते हैं और वो जब बेचते हैं तो और अच्छे दामों में बेच सकते हैं। अब जो है किसान को ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि मेरा सामान कौन खरीदेगा। पहले के समय में ऐसा था कि मेरा सामान केवल APMC में बैठे हुए लाइसेंस्ड बायर ही खरीदेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं था, तो जिसके वजह से स्टोरेज भी पॉसिबिलिटी, जो एसेंशियल गुड्स एक्ट के तहत स्टोरेज का ही पॉसिबिलिटी दे दिया। हाँ, थोड़ा टाइम बाउंड कर दिया है, टाइम बाउंडेशन कर दिया है, लेकिन हर तरह के क्रॉप्स के लिए अलग अलग समय अवधि तय कर दी गई। अब इसमें एक चीज़ सोचने वाली क्या बात है कि चूंकि अब इसको किसी को भी बेचा जा सकता है, कॉर्पोरेट्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं खरीदने के लिए। आपने यदि कुछ कॉफ़ी कंपनीज़ के बारे में सुना होगा तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कैसे वो लोग क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से एक डील कर लेते हैं किसानों के साथ, और उनको इंश्योर भी करते हैं। बेसिकली वो डील का भी इंश्योरेंस होता है, उनका भी जो प्रोड्यूस है, जो अनाज है, वो भी बहुत सारे मार्केट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, किसान को खुद भी नहीं पता होता है कि उसके उसका जो अनाज है वो कितने में बिकेगा, लेकिन जितना उन्होंने लगाया है उसके हिसाब से वो लोग बेचना चाहते हैं। कभी कभी तो फसल ख़राब हो जाने के बाद भी नहीं बेच पाते हैं। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि ये जो आप स्टोरेज का जो फैसिलिटी दे दिया गया जो एसेंशियल गुड्स एक्ट के तहत, और किसी को भी बेचने की जो आज़ादी और फ्रीडम दी गई, उसके हिसाब से आप कॉर्पोरेट्स क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व होकर किसानों के साथ एक डील बना सकते हैं और उस तरह के डील को इंश्योर भी करवा सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंदर आप इंश्योर भी कर सकते हो कि इवन इफ यदि मेरा मान लीजिए फसल ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ वेदर या पानी के वजह से, सिंचाई के वजह से, या किसी और फैसिलिटी की वजह से, या फिर कोई मार्केट फैक्टर की वजह से, स्टिल जो प्राइस पर नेगोशिएशन हुआ है वही प्राइस पे, काइंड ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग जैसे, उसी प्राइस पे कॉर्पोरेट जो है उस कैश उस क्रॉप को खरीदती है, उस अनाज को खरीद सकती है किसानों से। तो इस तरह के डील्स में किसान अब उतर सकते हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कॉर्पोरेट्स एज वेल एज फार्मर्स। तो इस तरह से हमारा ये जो सेकंड बिल है, जो एसेंशियल गुड्स एक्ट 2020 का जो सेकंड बिल है, ऑन पेपर दिस इज़ अगेन रियली अ फंटास्टिक आइडिया दैट फार्मर्स कैन स्टोर एज मच एज दे वांट, ऑब्वियसली अंडर दी प्रोविजंस ऑफ टाइमिंग्स गिवन, जो भी टाइमिंग्स का जो प्रोविजन दिया गया उसी के तहत। अब हम लोग आते हैं तीसरे और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बिल के ऊपर, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज 2020।
इस चीज़ को बड़ा ही अच्छे से समझना होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉरपोरेट इन्वॉल्व होती है या कोई भी, जैसे ही आप इसका कॉरपोरेटाइजेशन करते हो, जैसे ही आप इसका इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हो, क्योंकि अभी भी आप जैसे जैसे आप कैब का कंपैरिजन कर लो, पहले कैसा था, टैक्सी सर्विसेज जो थी वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज था पूरे इंडिया भर में, लेकिन आज के रेट में क्या है, कैसे इसको सेंट्रलाइज किया ऊबर ने, ओला ने। सिमिलरली आप यदि किस एग्रीकल्चर को देखोगे तो इट्स अ डिसेंट्रलाइज सर्विसेज गिवन बाई फार्मर्स टू अस, राइट। अब इस डिसेंट्रलाइज सर्विसेज को यदि सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है, मान लीजिए जियो मार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है या ग्रोफर या बिग बास्केट या सो मेनी अदर वॉलमार्ट, सो मेनी अदर कॉर्पोरेट्स आर देयर हु वांट्स टू गेट इन्वॉल्व, हु वांट्स टू गेट इनटू एग्रीकल्चर एरिया। व्हेन दे विल कम इनटू द डीलिंग विथ फार्मर्स, जब वो लोग आएंगे किसानों के साथ डील करने के लिए, तो किसानों की रजामंदी प्राइस एश्योरेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीसरा बिल फैंटास्टिक बिल है, बहुत ही सही तरीके से इसको डील किया गया, कैसे डील किया गया और कैसे इसको आउटराइट किया गया है देखिए, जिसमें कि सरकार ने क्या कहा कि आप यदि एश्योर, जब तक कॉर्पोरेट आपको एश्योर नहीं करता, एक एश्योरेंस होना चाहिए कि भाई इसी प्राइस पर आप खरीदोगे, तो उस एश्योरेंस के तहत और इसी तरह का सर्विस आप दोगे, तो बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन है। पहला, कॉर्पोरेट की तरफ से डील क्या है कि मैं आपको इसी प्राइस पर खरीदूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैपन्स टू यू, आपके अनाज के साथ जो भी होता है, मार्केट का जो भी कंडीशन होगा, कंपटीशन का जो भी कंडीशन होगा, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ एज अ कॉर्पोरेट, मैं एश्योर करूँगा आपको एज अ फार्मर कि भाई मैं इतने प्राइस पर ही खरीदूंगा। ये जो प्राइस एश्योरेंस, अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस है ना, ये पहले कॉर्पोरेट और किसान के बीच में डील होगी, कोई भी कॉर्पोरेट हो सकता है। और जो दूसरा है फार्म सर्विसेज, फार्म सर्विसेज कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि कॉर्पोरेट यदि आपसे डील कर रहे तो इन अगेंस्ट उसको भी कुछ चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कि भैया मेरे को एक इतना क्वालिटी मेरे को रहना, आपको आपका जो भी अनाज है उसमें इतना क्वालिटी तो होना और इतना क्वांटिटी भी होना, इतना क्वांटिटी और इतना क्वालिटी आप देते हो तो उसके हिसाब से ये जो मैं प्राइस अश्योर कर रहा हूँ आपको, मान लीजिए 5,000 रुपये पर टन, तो मैं ये 5,000 रुपये पर टन आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह का ये जो तीसरा जो एक्ट है, दिस इज़ ऑल्सो अ सुपर्ब आइडिया, जिसमें कि कोई भी आदमी, कोई भी किसान जो है किसी भी कॉर्पोरेट के साथ डील कर सकता है, इंश्योर कर सकता है इस पूरे सिचुएशन, पूरे डील को। और बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर कंडीशंस, चूँकि हमारे इंडिया में आप देखोगे कि तरह तरह के फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कभी कभी किसानों को उनका पूरा जो प्राइस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो नहीं मिल पाता है। तो वैसे कंडीशन में हमको लगता है कि ये मुझे लगता है कि ये जो तीसरा बिल है, इट इज़ गोइंग टू डू अ फैंटास्टिक जॉब। एटलीस्ट किसान जो है उसी प्राइस पर निगोशिएट करेंगे कॉर्पोरेट्स के साथ, और वो कोई भी कॉर्पोरेट हो सकता है, वो जियो मार्ट हो सकता है, ग्रोवर हो सकता है, कल के डेट में बिग बास्केट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इवन मैं भी हो सकता हूँ, कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है। तो जो एक निगोशिएशन होगी कॉर्पोरेट वर्सेस इनके बीच में, किसानों के बीच में, उस प्राइस एश्योरेंस जो है वो पहले दिया जाएगा कि भाई ये इतना हम आपको प्राइस पे हम खरीदेंगे, लेकिन इन अगेंस्ट कॉर्पोरेट भी एक डील करेगा कि भाई मेरे को इतना क्वांटिटी और इतना क्वालिटी आपको चाहिए ही चाहिए। ऑल ओके, तीनों बिल फंटास्टिक, बहुत अच्छे हैं, कोई नो डाउट अबाउट इट। फिर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और प्रोटेस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोटेस्ट कर रहे हैं MSP के ऊपर। बेसिकली MSP जो है वो गवर्नमेंट का एक मैंडेट होना चाहिए, लीगल मैंडेट होना चाहिए। तो किसानों का लड़ाई पहला चीज जिस पर है वो है MSP जो है वो लीगल मैंडेट होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसके वजह से किसान फाइट कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो है कॉर्पोरेटाइजेशन। आज ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद, यानी कि जितने भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह जो कॉर्पोरेट्स लगाते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, उन स्ट्रैटेजी के हिसाब से शुरुआती दौर में तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, तो वो एक फियर मन में है, क्योंकि सभी लोग देख चुके हैं ओला है, उबर है, एक इंटरलॉकिंग की स्थिति बन जाती है। तो मेन जो दो मुद्दा है, ये पहला मुद्दा कि MSP जो है लीगल मैंडेट होना चाहिए, और दूसरा फियर ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। ये दोनों मुद्दे पे हम लोग आते हैं, अब हम लोग बात करना चाहते हैं, ये दोनों मुद्दे पे हम लोग आते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये जो फियर ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन है ये कहाँ तक वाजिब है,
और क्यों वाजिब है, ये क्यों सही है ना। अब तक के मीडिया में हर जगह कहीं पर जैसे दो साइड हैं, एक साइड जो मोदी में है वो बोलेगा कि कॉरपोरेशन अच्छा है, ये तीनों बिल बहुत ही अच्छे हैं, और जैसे जो अगेंस्ट में है एंटी मोदीज हैं वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं कॉरपोरेशन गलत है वगैरह वगैरह। मार्क माय वर्ड, कॉरपोरेटाइजेशन को तो हम लोग उसको हटा नहीं सकते हैं, इट इज़ इनएविटेबल, कॉरपोरेटाइजेशन विल कम, कॉरपोरेटाइजेशन तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य ये है कि हम अपने प्रतिनिधियों से ये कहें कि भाई कुछ कंट्रोल, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कॉरपोरेट जो है कंट्रोल ना करने लगे, रेगुलेट ना करने लगे प्राइसेस को। इट हैज़ टू बी सप्लाई वर्सेस डिमांड, जो भी रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट को आप देखते हो, आपने सुना भी होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। यदि ये नेचुरल होता है डिमांड वर्सेस सप्लाई का, यदि ये नेचुरल फ्लो बना हुआ है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि ये नेचुरल फ्लो नहीं बना हुआ है, इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम वेल्दी वेल्दीएस्ट पीपल अराउंड इन द वर्ल्ड, तो क्या होता है कि जो जो रिच हैं वो और रिच होते चले जाते हैं। अब इसी कॉरपोरेटाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपने ओला का एग्जांपल, मैं यहाँ पे ओला का एग्जांपल लेना चाहूँगा या उबर का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपको याद होगा जब ओला आई थी तो किसी भी स्टार्टअप कंपनीज़ को ग्रो करने के लिए उनके चार स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, उसमें क्या करते हैं ये कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप कंपनी, बेसिकली फंडेड बाय अगेन वेरी बिग कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले एक्सट्रीम इंसेंटिव, जो पहला फेज़ होता है इनका, इस फेज़ में वो लोग क्या करते हैं एक्सट्रीम इंसेंटिव देते हैं, कैश ड्रेन करते हैं। बेसिकली आपने यदि ओला का सुना होगा या याद होगा आपको, तो दे यूज़ टू गिव यू लॉट ऑफ कूपन्स, लॉट ऑफ डिस्काउंट्स, मतलब इतना डर्ट चीप कर दिया गया था ट्रैवलिंग को कि आपको पता भी नहीं चला, आपको लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है, हमको 200 रुपये में यहाँ से मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इतना डर्ट चिप रहता था और वो भी नाम के वास्ते, उस पर भी डिस्काउंट रहते थे। आप पहली बार जब आप यूज़ करते हो, आपको याद होगा जब आप अपने गूगल पे स्टार्ट किया था यूज़ करना, या फ़ोन पे या पेटीएम आपने यूज़ करना स्टार्ट किया होगा, पहली बार जब आप कस्टमर बनते हो तो पहले 3 या 5 ट्रांजैक्शंस में आपको कितने सारे कूपन्स, डिस्काउंट्स वगैरह मिलते थे। गूगल पे में तो 50 रुपये मिलता था मेरा, हमको याद है कि कितने सारे लोगों ने ऐसे ही एक दूसरे के अकाउंट बनवा बनवा के 50 रुपये ले लिए गूगल पे से, और बोला बाद में यूज़ नहीं करना है तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन ये क्या है, ये स्ट्रैटेजी है, इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ स्टेज फर्स्ट। जब ये पहला स्टेज में किसी भी स्टार्टअप कंपनी को क्या करना होता है, दे हैव टू ड्रेन लॉट ऑफ कैश, दे हैव टू ड्रेन लॉट ऑफ कैश इन सच अ वे द पीपल, द कस्टमर विल नॉट गो अवे। एक्सट्रीम इंसेंटिव देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि इनको इकोसिस्टम बनाना होता है ड्राइवर का, फॉर एग्जांपल ओला की हम लोग बात कर रहे थे, तो इकोसिस्टम इनको बनाना होता है ड्राइवर का वर्सेस कंज्यूमर का, तो ड्राइवर्स को भी ये लोग काफ़ी इंसेंटिव्स देते थे। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यानी 2014 या 2015-16 की बात यदि हम लोग करें, तो 2015 या 16 में ऐसे कितने ड्राइवर्स थे, इंटरव्यूज आते थे जिसमें कि ड्राइवर्स बोलते थे कि अरे दिस इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू मी इन लास्ट 10 years 15 years, या अरे इससे पहले मैं मात्र 20,000 कमाता था, पार्ट टाइम जॉब करता था या ये करता था वो करता था, नाउ आई एम अर्निंग लाइक 60,000 70,000। कितने ऐसे लोगों ने अपना जॉब छोड़कर एक कार लेकर ओला ड्राइवर बन गए, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि ओला के ही ओला का ही दिया हुआ कार चलाने लगे। तो ऐसे कितने ड्राइवर्स, हजारों लाखों ड्राइवर्स, तो इट्स अ गुड थिंग कि ओला ने बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, इट्स अ गुड थिंग उबर ने बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, वेरी गुड। सेकेंड स्टेज पर आते हैं, एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट आपको, एक्सट्रीम इंसेंटिव और कैश ड्रेन का आपको समझ में आ गया पहला स्टेज, जिसमें कि केवल और केवल ये लोग पैसे झोंकते जाते हैं, झोंकते जाते हैं, इनको फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, लॉस में रहते हैं ये लोग, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल लॉस में रहते हैं ये लोग। बात करते हैं हम लोग सेकंड स्ट्रैटेजी की, सेकंड स्टेज की, इसको आप, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप किसान और कॉरपोरेट के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। मैं ओला का एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से कॉरपोरेट का जो फियर है, कॉरपोरेटाइजेशन का जो फियर है या जो कंट्रोल फैक्टर है वो कैसे पिक्चर में आता है। क्योंकि अल्टीमेटली पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, किसान पहले
स्टोर करके रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की प्राइस ऊपर की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने एपीएमसी बना दिया, उससे पहले मिडलमैन कार्टल जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा था। हर कोई उसी प्राइस पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान से देखो, मिडलमैन कार्टल बना, फिर मिडलमैन को हटा के एपीएमसी बनाया गया, फिर एपीएमसी के अंदर जो लाइसेंस्ड बायर थे उन्होंने अपना एक कार्टल बना लिया, वो लोग फिर रेगुलेट करने लगे प्राइस को। तो हर कोई कंट्रोल कर रहा है प्राइस को। जब तक ये कंट्रोल का मैकेनिज्म को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे एक 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 समानांतर एनवायरनमेंट जो है, एक समानांतर इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जा सकता है किसानों के लिए, एज वेल एज कंज्यूमर्स के लिए, एज वेल एज मिडलमैन के लिए, हर एक के लिए। सेकेंड स्टेज में ये लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ये लोग सब्सक्रिप्शन, फ्री सब्सक्रिप्शन दे के, इंसेंटिव्स और इंसेंटिवाइज करके ड्राइवर्स को, ये बता के कि भाई तुम इतने राउंड कर लो दिन के, या 12 घंटे कर दो, या 10 राउंड कर लो तो मैं तुम्हें को इतने इंसेंटिव दूंगा, वगैरह वगैरह। ये इंसेंटिवाइज करते हैं कंज्यूमर्स को भी इंसेंटिवाइज करते हैं कि यदि आप 4 महीने में करते हो तो हम आपको ये सब्सक्रिप्शन दे देंगे, ये डिस्काउंट दे देंगे, वो इंसेंटिव दे देंगे, तो इस तरह का कूपन आप ले लोगे, वगैरह वगैरह। इस तरह से वो लोग अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। कॉरपोरेट जो है अपना ट्रस्ट बिल्ड करती है। सेकंड आपका जो स्टेज है, उस ट्रस्ट में एक कन्वीनियंस का भी एक ये रहता है, कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इस तरह से वो लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो कस्टमर्स भी क्या सोचता है कि हाँ भाई ये हमारे लिए सोच रहा है। यदि आपने याद होगा 2016-17 के अराउंड, आप एक छोटा सा भी कंप्लेंट रेज करो तो ओला या उबर तुरंत आपको आपका पैसा तुरंत रिटर्न कर देते हैं। फिर आता है तीसरा फेज, डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी कैसे आता है, ये इरिवर्सिबिलिटी कैसे आती है, ये जो इरिवर्सिबिलिटी है ये इसको समझने की कोशिश करें। 2017 या 2018 आते आते धीरे धीरे ये नया नॉर्मल लगने लगा हम लोगों को। ओला है या उबर है, ये एक नया नॉर्मल, क्योंकि पहले का जो टैक्सी ड्राइवर्स होते थे जिस तरीके से हम लोगों को परेशान करते थे या लूटते थे, उन सब से बचा के ओला और उबर ने हम लोगों को एक अच्छा कन्वीनियंस पैदा करके हम लोगों को उसकी आदत लगा दी। ये जो आदत जो वर्ड है ना, इट्स वेरी इजी टू हैव। आप साल भर यदि एक चीज़ को यूज़ करते तो आपको आदत लग जाती है। इसी तरह से ओला और उबर ने अपनी आदत लगाई हम लोगों को, एक इरिवर्सिबल, एक नया नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे कैसे हम लोग पहले घर से काम करना एक एक, एक सपना लगता था और एक बहुत ही अजीब चीज़ लगता था कि घर से कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन आज के रेट में आप देखो, इट्स अ न्यू नॉर्मल। पीपल आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम देयर हाउसेज, देयर अटेंडिंग कॉल्स, देयर गेटिंग ट्रेन्ड, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट देयर होम। सब कुछ अपने घर से ही हो रहा है आज के रेट में। आपको किसी को पेमेंट करना है, आपको बैंकिंग करना है, आपको कुछ भी करना है, बैंक से रिलेटेड जॉब्स भी जो है आज के रेट में घर से ही हो रहे हैं। तो आप समझ के देखो कि देर आर सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड एंड दिस इज वॉट इज कॉल्ड न्यू नॉर्मल फॉर अस। दिस इज वॉट इज कॉल्ड अ नया एनवायरमेंट जिसकी कि हमको आदत लग गई। और हम लोग इसी आदत को इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अब इसको रिवर्स नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू आवर, अ लॉट ऑफ पीपल, वी डोंट वॉन्ट टू गो बैक, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू देयर ऑफिसेस। सभी को अपने ऑफिसेस नहीं जाना चाहते हैं। सिमिलरली ओला उबर ने आके, ओला या उबर ने आके एक इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट कर दिया, एक डिपेंडेबिलिटी क्रिएट कर दिया, एक कन्वीनियंस की हमें आदत हो गई। एक कॉल किया, ओला आया, निकल पड़े, उबर आया, निकल पड़े, बाइक आई, निकल पड़े, रैपिडो आया, निकल पड़े। तो ये इरिवर्सिबिलिटी का फेज होता है। चौथा और सबसे भयानक और सबसे भयंकर जो स्टेज होता है, यहाँ तीसरे स्टेज तक ये लोग अपने पैसे को बहाते रहते हैं, पानी की तरह बहाते हैं। तीसरे स्टेज तक पानी की तरह बहाते हैं। और चौथा स्टेज आता है कॉरपोरेट्स का, जो भी स्टार्टअप कंपनीज उनका चौथा स्टेज जो आता है वो होता है कंट्रोल का। एक बार वो इकोसिस्टम बना दिया उन लोगों ने, कंज्यूमर बायर इन दोनों का एक इकोसिस्टम बना दिया। अब ये प्राइस जो है ये ड्राइवर तय नहीं कर रहा है, अब ना ही ये प्राइस ड्राइवर तय कर रहा है, ना ही ये प्राइस कस्टमर तय कर रहा है। ये प्राइस कौन तय कर रहा है, ओला तय कर रहा है, उबर तय कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? अब आपको याद होगा, एक 2016 में, मुझे याद है, मैं अपनी बात बताता हूँ, तो 2016 में जब मैं एयरपोर्ट से इधर या यहाँ से एयरपोर्ट जाता था,
इट यूज़ टू कॉस्ट मी अराउंड 200 या 250 यहाँ से एयरपोर्ट तक, 200 यहाँ से सिकंदराबाद का भी 100, 125, 100 ऐसा लगता था। आज के रेट में सर्च प्राइसेस के हिसाब से यदि मैं देखूँ किसी भी टाइम पर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, हर टाइम सर्च ही बताता है, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज यदि आज के रेट में मैं यहाँ से अभी सिकंदराबाद जाने की कोशिश करूँ तो विश्वास नहीं होगा आपको, 350-400 बताएगा, कहाँ 125, कहाँ 100 रुपये। आज भी अभी भी मैं किसी ऑटो वाले से पूछूँ तो 150 से ज़्यादा नहीं लेगा मुझे, लेकिन आज के रेट में चूंकि मुझे वो रिवर्सिबिलिटी और वो जो डिपेंडेबिलिटी बन गया है कि कॉल किए आ गया ओला निकल पड़े, ये जो डिपेंडेबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी का जो एक, एक, एक समन्वय तैयार कर दिया है ओला और उबर ने, उस समन्वय के हिसाब से हम लोग जो है उसके आदि बन चुके हैं, उसके उसके आदत लग चुकी है, अब ये रिवर्सिबल, अब ये ना यही नया नॉर्मल है हमारे लिए, अब ये 350 रुपये में ही हम लोग जा रहे हैं और हमको ख़राब भी नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ख़राब भी नहीं लग रहा है। अब ये 350-400 रुपये दे के यहाँ से सिकंदराबाद जो कि केवल 8 किलोमीटर दूर है उसके लिए 350-400 रुपये हम पे कर रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है कि कैसे कॉर्पोरेटाइजेशन जो है, कॉर्पोरेटाइजेशन को हम लोग इट्स इनेविटेबल, हम लोग हटा नहीं सकते, यह हो के ही रहेगा, ये तीन बिल आ के ही रहेंगे, ये तीनों बिल लागू हो के ही रहेंगे, और वॉलमार्ट है या जियो मार्ट है या डी मार्ट है या कोई भी मार्ट है या ग्रोफर है या बिग बास्केट है, बीबी डेली है, कोई भी हो, सभी के सभी इन्हीं चार स्टेज से गुजरेंगे। पहला स्टेज इंसेंटिव एंड कैश स्ट्रीम, जिसमें वो किसानों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे और कंज्यूमर को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्टेज ट्रस्ट का, जिसमें वो लोग अपने सर्विसेज के थ्रू एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, अपने किसानों को भी इंसेंटिवाइज करेंगे, उनके इंश्योर करेंगे, उनको डेथ को भी इंश्योर करेंगे और क्या क्या नहीं इंश्योर करेंगे आप देखते रहो। तो फिर तीसरा एक स्टेज आएगा जब वो लोग एक डिपेंडेबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे, एक नया नॉर्मल क्रिएट कर देंगे। नाउ यदि हम फ्रिज खोले तो फ्रिज हमको ऑटोमेटिकली एक मैसेज देना कि भाई ये वाली सब्जी ख़त्म हो गई है, ऑटोमेटिकली ये मैसेज जाना जियो मार्ट को, जियो मार्ट जो है अगले ही दिन रिफिल करने के लिए एक पैक एक बकेट लेके आके आपके घर पे ड्रॉप करके चले जाना। इस तरह का एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये होके भी रहेगा। दिस इज़ हाउ द टेक्नोलॉजी मूव्स राइट। तो ये नया नॉर्मल हम लोग, हमारे बच्चों को याद भी नहीं होगा कि उसके पिताजी जो है वो मार्केट जाके सब्जी लेके आते थे। ये एक नया नॉर्मल उनके लिए होगा। बट और चौथा जब 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 सबसे भयंकर चीज़ होगा वो होगा कंट्रोल। सो बेसिकली ये जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने इसी प्राइस पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तब होगा उनका वो कट डाउन करने की कोशिश करेंगे, उनके कॉस्ट, अपने कॉस्ट को भी और उनके कॉस्ट को भी और उनके प्राइसेस को भी। जो 5,000 में आप पहले ख़रीद रहे थे उसको 3,000 करेंगे, 3,000 से 2,000 करेंगे। आपको याद होगा आज के रेट में आप देख लो, मैं ड्राइवर्स की जो हालत है, जो ओला ड्राइवर्स की या उबर ड्राइवर्स की जो हालत है, अब तो बहुत जगह पर स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं, पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, हर जगह स्ट्राइक्स भी हुए, कोई नतीजा निकला? नहीं नतीजा निकला। अब ड्राइवर को भी आदत हो चुकी है और कंज्यूमर को भी आदत हो चुकी है। कंज्यूमर को पता है कि हमको ओला ही जाना है और ड्राइवर को पता है कि ओला के बगैर उसको दूसरा कस्टमर मिलेगा नहीं। तो ये एक जो इंटरलॉकिंग की जो स्थिति हो गई है, उसी तरह की इंटरलॉकिंग की स्थिति किसानों के लिए भी होगी आगे आने वाले समय में। अब इस इन सब में हमारा और आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है जो वो क्या है, तो वो ये है कि हमें हमारे सरकार को ये कहने की ज़रूरत है, हमारे प्रतिनिधियों को ये कहने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारा तीनों बिल बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें केवल एक कमी जो है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यस उनको लीगल मैंडेट बनाना चाहिए ताकि कल के रेट में कॉर्पोरेट जो है उनको एक्सप्लॉइट करना ना शुरू कर दें। दूसरा जो एक जैसे MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उसी तरह का एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी फिक्स होना चाहिए हर सीज़न के हिसाब से। तो सरकार को कुछ नए नए पॉलिसीज़ जो हैं, कुछ नए नए रूल्स उसमें इंक्लूड करने होंगे, अपने इन तीनों रूल में से एक जो कॉर्पोरेटाइजेशन वाला जो रूल है, जो लॉ है, उसमें ये सब कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उनको इंक्लूड करनी चाहिए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो किसान यदि जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही डिमांड कर रहे हैं। और इसी के साथ जो और दूसरा जैसे मैंने बताया कि जो 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 कॉर्पोरेटाइजेशन का जो भय है, जो डर है, वो भी सही है।
क्योंकि ये चीज़ देखा गया है और एक जगह नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप कंपनीज को आप देख लो जो कि यही चार स्टेजेस जाते हैं, पहले खूब सारा कैश इंसेंटिव, डिस्काउंट्स, कूपन्स एंड एवरीथिंग, बाद में कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं प्राइसेस को। तो इन सब हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो किसानों का जो ये है, किसानों का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही है। और हमारे सरकार को भी चाहिए कि वो उनकी बात सुने और कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए जिससे कि कॉरपोरेट भी अपनी मनमानी आगे आने वाले सालों में ना कर सके। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का। आई नो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस किसान बिल को समझना बहुत ज़रूरी था हम सभी के लिए, ताकि हम लोग अपनी जो भूमिका है वो अच्छे से अदा कर सकें, बिना सोचे समझे एंटी मोदी या विथ मोदी वगैरह ना करें। तो इसी के साथ मैं ये संवाद, ये विषय, इस चर्चे को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, इस तरह के वीडियोस के लिए और इस तरह के विश्लेषण के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें। यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद ही फैसला किया जाना चाहिए। तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के ज्ञान जो मैं लेकर आता हूँ रिसर्च के थ्रू, आप सभी को बांटें। धन्यवाद।